नमस्ते, मैं निधि शर्मा फिर से आज आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। पहले तो गुड मॉर्निंग। और यहाँ का मौसम थोड़ा सा कोल्ड वाला है, इसलिए मैं आज स्वेटर वेटर पहन के रखी हूँ। तो मैं वीडियो के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें। सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। आज मैं यूट्यूब सर्च कर रही थी, उसमें मुझे बहुत अच्छा एक कहानी मिला, जिसमें एक पेंसिल का कहानी था और एक इरेजर का कहानी था। जो इरेजर होते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, और जो पेंसिल होते हैं वो हम लोग होते हैं। इरेजर का काम क्या होता है, जस्ट लाइक हमारे लाइफ में अगर हम कुछ भी गलतियां करें, उसको इरेज करना, उसको छुपाना। तो हमारे पेरेंट्स मतलब हमारे लिए एक ऐसा इरेजर है जो कि हमारी सारी गलतियों को छुपाते हैं, और उसके बाद हम लोगों को कुछ एक अच्छा इंसान बनाने पे हम लोगों की बिल्कुल मदद करते हैं। ठीक है, ऐसी हमारी लाइफ चलते रहेगी। और आप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते रहें, हमारे साथ मिलके कुछ क्वेरीज है पूछें। आज मैं लाई हूँ आपके लिए, आपके बच्चों को, आप अपने बच्चों को कॉपी पे लिखना ना सिखाएं। ठीक है, कॉपी पे लिखना। आप अगर आपका बच्चा जब नन्हा नन्हा होता है, तो वो क्या करता है, वो दीवार पे लिखना स्टार्ट करता है। ठीक है, दीवार पे लिखना। आपको दीवार पे लिखना अगर गंदगी हो जाती है, तो आपको लगता है मैं मेरे बच्चे को कैसे मना करूं जो दीवार पे ना लिखे। मैं तो बहुत छोटा साइज के व्हाइट बोर्ड रखी हूँ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड है ये मेरे हाथ में, और क्योंकि मेरे घर पर भी कोई बच्चा नहीं है, तो मैं एक व्हाइट बोर्ड रखी हूँ और एक मार्कर है। मार्कर की हेल्प से आपको क्या करना है, आपको उसको मार्कर दे देना है। वो पहले तो इस तरह से करके लिखेगा, मतलब एकदम मुट्ठी बांध लेगा और ऐसे ऐसे करके घिसेगा। फिर जब आप, मैंने जो एक्टिविटीज़ बताई है, वो धीरे धीरे करके आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, तब वो आपका इस तरह करके लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड बिल्कुल दीजिए उसको, व्हाइट बोर्ड किसी भी तरह का लीजिए, लेकिन बड़ा होना चाहिए, और ऐसे जगह पे लगाइए जो उसके हाथ पहुंच पाए उसको लिखने। उसको किसी चेयर पे, उसको किसी सहारे की जरूरत ना पड़े लिखने के लिए। और नेक्स्ट थिंग इज दैट, मेरा नेक्स्ट एक्टिविटी ये है कि ने आप कभी भी, आपका जो मैंने बोला एक फाइन मोटर्स होता है, एक ग्रॉस मोटर होता है। ग्रॉस मोटर जो मतलब पूरी यहाँ से यहाँ तक का मोटर को हम लोग वर्क करते हैं, वो ग्रॉस मोटर होता है। फाइन मोटर जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये इतनी दूर की जो मूवमेंट्स है, वो हमारा फाइन मोटर्स कहलाता है। तो हमको पहले फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर में बिल्कुल डेवलप हमने कर लिया, उसको बॉलिंग कराई, उसको बैटिंग कराई, हमने ग्रॉस मोटर को पूरा अच्छे से वर्कआउट करा दिया। अब हमको ग्रॉस मोटर के जगह फाइन मोटर्स का वर्कआउट कराने की जरूरत है। तो हमको क्या करना है, आप लोग, आपके घर में पेपर होता होगा, ठीक है, पेपर होता होगा, और आपको क्या करना है, पेपर लेना है। पेपर लेकर के पहले तो अपने बच्चों को कहना है कि वो इसको बड़े बड़े टुकड़ों में करके फाड़े, पर ये दोनों फिंगर से। सबसे पहला चीज है, यही दोनों फिंगर से वो क्या करेंगे, वो ऐसे पकड़ेंगे, उस इस तरह से फाड़ देंगे, पर इस तरह से नहीं। उसको क्या करना है, आपको इन दोनों पेपर से पहले आपको इस तरह करके उसको फाड़ते जाना है। ठीक है, वो इस तरह करके फाड़ते जाएंगे, पर क्या, जब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में उनको करना क्या है, वो जब एकदम छोटे छोटे पेपर्स कर देंगे ना, मान लीजिए कि इतना इतना छोटा पेपर्स हो गया, इसको और भी छोटा पेपर्स करते जाना है, पर यही दोनों फिंगर के सहारे से। तो देखेंगे ना, काफी, आप खुद भी देखेंगे कि काफी इसमें हम लोगों का जोर लग रहा है, जो ये फाड़ मतलब फाड़ नहीं पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये पेपर्स को कलेक्ट करके, जो आपको कल मैंने कबड़ बताई थी ना, जो बिल्कुल लकड़ी कत्ते की कबड़ होती है, उसमें कलेक्ट करा करके आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको इन पेपर से उसको पेपर पेस्टिंग कराना है। पेपर पेस्टिंग कराने हैं, मतलब आप एक ग्लू स्टिक लाएंगे, ग्लू स्टिक, ना कि ग्लू, वो हाथ में जो लगने वाला ग्लू होता है वो ग्लू नहीं, ग्लू स्टिक लाएंगे आप। कॉपी में उसको ग्लू स्टिक से कोई भी फिगर बनाएंगे, और उसको ग्लू स्टिक से बोलेंगे आप, ग्लू स्टिक से इसमें यहाँ पे लगाओ ग्लू, और उसके बाद एक वन वन पेपर लेकर के हम लोग इन्हीं दोनों फिंगर से पेस्ट कराएंगे। तो क्या होगा ना, धीरे धीरे आपका ये दोनों जो फिंगर है, ये बहुत अच्छा पकड़ बैठेगा आपके बच्चों को पेंसिल पकड़ने में, आपके बच्चों को ग्रिप बनाने में। तो आज का हमारा है ग्रिपिंग एक्टिविटी। नमस्ते, मैं कल फिर आऊँगी आप लोगों के सामने और एक अच्छा नया वीडियो के साथ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। वन थिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक मैं और वीडियो, और अच्छे अच्छे वीडियो कैसे मैं मोटिवेट होकर बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।